सूबे की योगी आदित्यनाथ सरकार में अपराधियों के लगातार एनकाउंटर अब सियासत का विषय बन गए हैं। अखिलेश यादव ने योगी सरकार के अपराधियों के एनकाउंटर पर सवालिया निशान खड़े किए हैं। उनका कहना है कि यादवों और ब्राह्मणों को लेकर और खासकर मुसलमानों को उनको टारगेट किया जा रहा है, उनके एनकाउंटर किए जा रहे हैं। अब सवाल खड़ा होता है, क्या अपराधियों की जात देखकर एनकाउंटर होने चाहिए या योगी सरकार पर आम जनता की इस क्या राय है? तमाम हमारे साथ लोग हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अंकुर ठाकुर। अंकुर जी, एक सवाल खड़ा हो रहा है इन दिनों, एनकाउंटर बहुत हो रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, योगी सरकार में। अखिलेश यादव ने सवाल कर दिया है खड़ा कि उन्हें मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है या फिर यादवों को टारगेट किया जा रहा है, ब्राह्मणों को टारगेट किया जा रहा है, आप क्या सोचते हैं? देखिए, पहली बात तो ये, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। अगर वो आतंकवादी हैं या गुंडे हैं, बदमाश हैं, तो वो जात और बिरादरी को देख के एनकाउंटर नहीं हो रहे हैं, वो एनकाउंटर हो रहे हैं बदमाश हो गए। क्या लगता है भयमुक्त जो उत्तर प्रदेश का जो नारा है वो फिर कैसे पूरा होगा? भयमुक्त का जो नारा, भयमुक्त का नारा की तो कोई बात ही नहीं है। पहली बात तो ये, अपराधियों की जात देखनी चाहिए? बिल्कुल नहीं देखनी चाहिए। अपराध ठाकुर हो, ब्राह्मण हो या मुसलमान हो, जो अपराधी है वो अपराधी है। पुलिस को जो अपना काम करना है वो करना है। अखिलेश यादव की दुकान बंद हो गई है, जो उनकी दुकान चलती थी, गुंडे बदमाशों से जो उनकी दुकानें चलती थी वो बंद हो गई है, तो उनके पेट में पानी हो रहा है। जो लूट होती थी पहले, डकैती होती थी, किडनैपिंग होती थी, डॉक्टरों की किडनैपिंग होती थी, अब वो किडनैपिंग हो गई है बंद बाबा की सरकार में, तो इनके पेट में पानी हो रहा है। इनका रोजगार खत्म हो चुका है। अच्छा, और भी बहुत सारे साथी हैं। ये बताइए कि अखिलेश यादव लगातार सवाल खड़ा कर रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार पर कि जो चुनिंदा जो जाति के लोग हैं उन पर, उनको चुन चुन कर उनका एनकाउंटर किया जा रहा है। देखिए, नाम के साथ, मैं नाम दानिश खान है और मैं मुस्लिम समाज से आता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री का नारा था, या तो अपराधी जेल में होंगे या रेल में होंगे। उस नारे के साथ माननीय मुख्यमंत्री ने, योगी सरकार ने इस स्लोगन को पूरा करते हुए, अब देखिए, जिसके जो परिवार चलता है अपराधी घटनाओं से, जिसके सदस्य जाति के लोग, तमाम ऐसे विशेष लोग जो उनके साथ जुड़े हुए हैं, अगर उन पे आपराधिक रूप में घटना होकर उन पे कार्रवाई हो रही है तो उसका तो दुख होगा। अगर अपराधी की दुर्दशा हो रही है और वो जेल जा रहा है या उसकी अन्य स्थिति में उस पर कार्रवाई हो रही है, तो उसकी तो उसको गम हो गई। रही बात उसकी, अखिलेश यादव ने अपराधियों को लेकर मुसलमान पे सवाल दागा, मैं अखिलेश यादव से सवाल करता हूँ कि आजम खान का तस्वीर से फोटो क्यों हटा दिया गया, जिसके नाम से मुसलमान वोट बैंक उनसे जुड़ा हुआ था। वो भी एक दुर्दशा है कि वहां पे भी तो एक अपमान करा। अगर एनकाउंटर योगी सरकार ने अपराधियों का करा तो आजम खां की तस्वीर उठा के, तो आजम खां का एनकाउंटर एक तरीके से अखिलेश जी ने करा है। लगता है ये पूरी जो पॉलिटिक्स है वो एक जाति समीकरण को बिठाने के लिए हो रही है, चुनावों को लेकर हो रही है, या फिर उत्तर प्रदेश में भी 10 जो विधानसभा सीटों उनको उपचुनाव हो रहे हैं तो उनको इफेक्ट करने के लिए सब किया जा रहा है? देखिए, मैं सबसे बड़ा सवाल ये करना चाहता हूँ कि अपराधियों की जाति तुलना नहीं होनी चाहिए। अपराधी का नाम सिर्फ एक अपराधी होना चाहिए, और अपराधी किसी भी समाज का हो। जिस तरीके से आपने विकास दुबे को देखा, वो भी एक अपराधी था और दुबे था। अगर आप मुसलमान की श्रेणी को लेकर अपना वोट बैंक बढ़ाना चाहते हैं तो मुसलमानों के लिए मैं आपको एक दूसरा बड़ा गहरे सवाल में घेरूं कि आप देखिएगा, आप देखिए, ऑनलाइन सारे रिकॉर्ड मौजूद हैं, अखिलेश जी की सरकार में मुसलमानों को कितनी नौकरियां दी गई, वो भी तो मुसलमानों के दिलों पर एनकाउंटर है। क्योंकि जिस तरीके से अखिलेश जी ने मुसलमानों को अपना वोट बैंक मांग का इस्तेमाल करा, तो उनको उसके बदले में दिया क्या गया, ये भी सारे मुसलमान समाज का कहते हैं कि पक्षपात हो रहा है विकास के नाम पर। मुसलमानों को कम सुविधाएं दी जा रही हैं या फिर ब्राह्मणों को कम सुविधाएं दी जा रही हैं, ऐसा कुछ? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री से सवाल करने से पहले कि उनको ये सोचना चाहिए कि उस सरकार में और उसी प्रदेश के मुख्यमंत्री वो भी रह चुके हैं, और उसकी आजकल देखिए, बच्चा जो है वो किताब से नहीं चल रहा, हमारा बच्चा जो टेक्नोलॉजी से चल रहा है, हमारा बच्चा जो ऑनलाइन से चल रहा है, ऑनलाइन पे विषयों में चर्चा कर करके हमारा बच्चा पढ़ रहा है, और इतिहास को जो वो किताबों में नहीं खंगाल रहा है, ऑनलाइन रिकॉर्ड के अंदर खंगाल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री ने जो सुविधाएं मुसलमान समाज को दी, जो अन्य समाज को नहीं, क्या वो अखिलेश जी ने दी है? वो क्या है उनका, अखिलेश यादव का अपने वोट बैंकर का एनकाउंटर नहीं है? वो भी एक एनकाउंटर के समान है, जिस जाति से एनकाउंटर, जिस जाति से उन्होंने वोट मांगा, जिस जाति को उन्होंने अपना वोट बैंक समझा, जिस समाज को अपना अपना वजूद समझी, अपनी ताकत समझी, उस समाज को उन्होंने दिया क्या? क्या उस समाज का एनकाउंटर अपने अखिलेश यादव ने अपने उनको पीछे हटाकर नहीं दिया? खान भी मुस्लिम समुदाय से आते हैं, बेबाक राय उन्होंने रखी है। नाम क्या हुआ और क्या करते हैं? मेरा नाम MD फरमान है, मैं एक मुस्लिम समाज से हूँ। क्या कहेंगे, इन दोनों सियासत बड़ी एनकाउंटर के इर्द गिर्द घूम रही है। अखिलेश यादव का आरोप है कि योगी सरकार चुनिंदा जाति के लोगों का चुन चुन कर एनकाउंटर कर रही है, क्या कहेंगे? ऐसा कुछ नहीं है,
योगी आदित्यनाथ जी का एक ही कहना था कि या तो माफिया जेल में या रेल में, और दूसरा नंबर ये अखिलेश यादव जी बोल रहे हैं कि जाति को देखकर माफियाओं में गोली मारी जा रही है, ऐसा कुछ नहीं है, जिसमें कि अखिलेश यादव जी की सरकार में ही उन्नव में फैसल को हत्याकांड में मारा गया 2015 में 21 मई की घटना को लेकर। क्या वो हत्या नहीं थी, अखिलेश जी की सरकार नहीं थी? 21 मई को 2015 में बरेली में इजाक नाम के हत्या को उसको मारा गया, तो वो हत्या नहीं थी, ये एनकाउंटर नहीं था, अखिलेश जी की सरकार थी ना। अखिलेश जी क्यों भूल रहे हैं ये बातों को? अखिलेश जी ने बस मुसलमानों को ये सोच लिया है कि तेजपाल का पत्ता वोट बैंक क्यों मान। जी जी बताइए। अखिलेश जी का सबसे बड़ा नारा है कि मुस्लिम वोट हमारा है, पर उसके अलावा उनको कुछ देने का काम उनका नहीं रहा। अब वो बस इस बात पे तुलना कर रहे हैं कि वो जाति विशेष में उलझा करके मुस्लिम वोट को पा करके फिर से अपनी राजनीति की गद्दी को सेके और एक चमचमाती गद्दी पे रहे, और फिर वो मुसलमान बिना शिक्षित हुए फिर वो उनकी गाड़ी को साफ करे और उनके झंडे को लहराए। आज का जो योगी सरकार का जो मुसलमान है वो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बना हुआ लगता है। मुसलमानों को लेकर अखिलेश यादव का जो स्टैंड है, क्या लगता है कि वो सब वोट बैंक है? हिंदू मुस्लिम की राजनीति यहाँ पर बिल्कुल हिंदू मुस्लिम की ही राजनीति कर रहे हैं वो। प्रदेश का विकास ऐसे में फिर कहाँ देखते हैं आप? क्या रहेगा, जाति के आधार पर फिर या फिर विकास के आधार पर? देखिए, विकास के अगर आधार पे कहिए तो नौकरियां कितनी मिली हैं आपको पता है? पुलिस की भर्तियां जो बाहर से आए हैं उनको कितनी मिली है बताइए आप? योगी सरकार में भेदभाव हो रहा है? योगी सरकार में कोई भेदभाव नहीं हो रहा है। सर्व समाज के लोगों का फायदा है, क्या वो हिंदू हो, क्या वो मुसलमान हो, क्या वो ब्राह्मण हो, क्या वो ठाकुर हो, जो बदमाश है, जो गुंडे हैं, जो अपराधी हैं, जो जेल में या रेल में या प्रभु से सीधे मेल में। देखिए, एक तमाम ये युवा हैं जिनकी बेबाक राय इसी पर है कि एनकाउंटर जो अपराधियों के हो रहे हैं उनकी जात नहीं देखनी चाहिए। अगर अपराध को खत्म करना है, जड़ से खत्म करना है, तो अपराधियों का खात्मा बेहद जरूरी है। मैं हरिकांत शर्मा, न्यूज 18 आगरा।